चलिए बेटा, ये हमने जो है आप लोग को जो क्वेश्चन समझाए थे वही क्वेश्चन है, बस एक एक्स्ट्रा और वो कर दिया है। तो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में 2 पार्ट है, क्वेश्चन 2 में भी 2 पार्ट है। ये दोनों जो है इवेल्युएट करना, मतलब सिंप्लीफाई कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए कि क्या है इसकी वैल्यू, और ये सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ये दो क्वेश्चन है, दोनों में एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी। हमने ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार समझा दिया है जूम पे। अब ये आपको वहां पे जल्दी जल्दी में थोड़ा सा हो सकता है नहीं नोट कर पाए हो, इसलिए आपके लिए अलग से ये वीडियो बनाई गई है, आप देखें। जो लोग भी देखेंगे सबको फायदा होगा। तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो ये क्वेश्चन 2 का है कि सॉल्व करना है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे देखिए, दिस इक्वल टू दिस, फिर इक्वल टू दिस। तो आप लोगों ने इंडाइसेज में क्वेश्चन किया था जिसमें इस तरह से 2 बार इक्वलिटी ऐसे लगी रहती है, तो हम इक्वल टू के ले लेते थे क्योंकि तीनों इक्वल रहते थे, तो के इक्वल लेके तीनों को उनके के साथ सॉल्व करते थे। यहाँ पे के नहीं सपोज करेंगे, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम अभी, इन तीनों को छोड़िए, लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब इक्वल हैं। इनको के इक्वल इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इस पे अगर देखिए तो इस पे कोई वेरिएबल नहीं है, कोई एक्स वाई नहीं है, ये प्योर नंबर वाले लॉग हैं। तो ये सॉल्व हो के एक नंबर दे देगा हमको, और ये इसी के इक्वल है तो जो भी नंबर आएगा इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इसके भी इक्वल है क्योंकि सब जगह इक्वलिटी लगी है, तो ये जो नंबर होगा इसके भी इक्वल होगा, ये जो नंबर सॉल्व करके मिलेगा इसके भी इक्वल होगा। तो दो इक्वेशन बन जाएंगे, दो वेरिएबल एक्स वाई हैं, तो जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन चाहिए होता है, तो हमको मिल जाएंगे और हम सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सोल्यूशन में जो है क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन सोल्यूशन 2 का सेकेंड पार्ट, तो सबसे पहले यही लेंगे log 64। अब बेस यहां पे नहीं मेंशन है, तो बेस नहीं है तो सबका बेस सेम है, वो है 10, मतलब जो भी होगा वो सबके लिए सेम है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो सबके लिए बेस 10 है, कॉमन लॉग की बात हो रही है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम और बता दें, हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर log a बाई बी होता था तो इसको हम लोग लिखते थे log a माइनस log b। ठीक है, यहां पे देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये log अलग है, फिर अपॉन ये दूसरा log है, यहां एक ही log होता था, ये आर्गुमेंट होता था अपॉन में। ठीक है, जो आर्गुमेंट होता था जिसका log लेते हैं वो फ्रैक्शनल होता था, ये यहां पे बेस कुछ भी होगा ये log a by b है, तब हम log a माइनस log b लिखते थे, a और b दोनों ही आर्गुमेंट के पार्ट हैं। यहां दो log डिवीजन में है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, ये अपना अलग log है, अपॉन में ये अलग से log है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब log 0.125, हमने आपको ये समझाया था, ये 0.125 को भी हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। 0.125, 123, 3 प्लेस के बाद डेसिमल है तो डेसिमल हटेगा, 125 बचेगा, तो 1 लगाते हैं डेसिमल हटाते समय, तो 1 है, अब उसके बाद 3 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 30 नीचे बढ़ा देंगे, तो अब ये हट गया डेसिमल, तो 0.125 इक्वल टू हो जाएगा 125/1000। अब जो है 125 × 125, 125 × 1000 होता है, आप चाहे तो 5 5 से कैंसिल कर दें, 25 से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए कुछ नंबरों की हमें आइडिया होती है, यहाँ पे हमने जो है 64 को देखा था, यहाँ पे बेस 2 बन जाएगा 8 की पावर 2, तो ये जो है 1/8 बन जा रहा है, इसलिए हमने सिंप्लीफाई कर लिया।
कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो डायरेक्ट भी लेके चलेंगे तो भी थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा और कोई बात नहीं, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब जहां पे 0.125 है उसकी प्लेस पे 125/1000 लिख सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके 1/8 लिख सकते हैं, 1/8। तो ध्यान रखिए लॉग इतने की प्लेस पे, लॉग 0.125 की प्लेस पे हम लॉग 1/8 लिख लेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे 1/8 मिल रहा है, देख लीजिए इसको लेके चले थे सॉल्व करके 1/8, ठीक है। लॉग 64 अभी नोट कर दे रहे हैं, अपॉन लॉग 0.125, लेकिन 0.125 को हमने देखा कि 1/8 लिखा जा सकता है तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब जो है इसको हटाते हैं, ये सब वीडियो है आप रोक के देख सकते हैं, अब आपको तो वीडियो पॉज करके देखा जा सकता है। तो देखिए दिस इज इक्वल टू दिस लिख लिए, अब इसी चीज को हम इधर आगे बढ़ा रहे हैं, अभी हमें यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं जगह को, इक्वल टू 64 को आप लिख सकते हैं 8 की पावर 2, तो लॉग 8 की पावर 2, फिर अपॉन है लॉग ए बाई बी है, ये है लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए बाई बी को लॉग ए माइनस लॉग बी लिखेंगे, तो लॉग ए मतलब 1 माइनस लॉग बी 8 है, इक्वल को इक्वल लगाइए, ये है आपका 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, मतलब ये सॉरी पावर से पहले आ जाएगा, ये फॉर्मूला आपके पास है लॉग के बारे में आपको पता है, अपॉन लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 लिख दिया, माइनस लॉग 8, अब 0 का कोई मतलब नहीं, ये 2 log 8 हो गया, अपॉन ये 0 हट गया, माइनस तो रहेगा माइनस लॉग 8। अब देखिए लॉग 8 ये 2 × log 8 है, तो लॉग 8 और यहां से ये लॉग 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो बच गया 2 और नीचे माइनस, और ये कैंसिल, लॉग 8 वन जा, लॉग 8 वन यहां लिख सकते हैं, तो -1 और 2/1 तो 2 ही है, बस प्लस माइनस का डिवीजन है तो -2। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो नंबर था लॉग का इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये चलते चलते फाइनली आपको -2 मिल गया, मतलब ये कि दिस इक्वल टू -2 लिख सकते हैं, मतलब ये भी -2 के इक्वल है, ये भी -2 के इक्वल है, ठीक है। तो ये सब आप स्टेप पहले वीडियो में देख के, रोक रोक के वीडियो को आप स्टेप इसके जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। हमने आपको दिखाया कि दिस इज इक्वल टू फाइनली सॉल्व करने पे -2 आया, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब क्या है, इसी को आगे बढ़ाते हैं, अभी सॉल्व होगा नहीं, तो लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन लॉग 2 इक्वल टू ये, और इसको हमने सॉल्व किया कितना आया -2, ठीक है। तो -2 हमने लिया, अब एक बार इसके साथ इसको -2 के इक्वल लेके सॉल्व करते हैं, एक्स वाई की इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसको इक्वल टू -2 लेंगे, फिर एक्स वाई की इक्वेशन बनाएंगे, ठीक। अब यहां पे मैं जगह बना ले रहा हूं, चलिए अब देखिए ये होल अपॉन है, ये लॉग ए बाई बी नहीं है, ये अलग लॉग है, फिर अपॉन में भी लॉग है, तो ये फ्रैक्शन हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है ना। अगर सिंगल लॉग रहता, ए बाई बी रहता, तब तो हम लॉग ए माइनस लॉग बी लिखते हैं, लेकिन ये दो दो लॉग है अपॉन में है, तो ये लॉग क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, ये फ्रैक्शन की तरह से है। तो लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू -2 से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 × log 2, ठीक है। अब ये जो है ये देखिए यहां पे
माइनस टू, ऐसे आप दिखा सकते हैं, मल्टीप्लाई में है लॉग के साथ, ये पावर में चला जाएगा क्योंकि जो पावर रहता है वही इधर आता है मल्टीप्लाई में, तो हम इसको पावर में भेजेंगे, ठीक है। तो लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग टू की पावर माइनस टू हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये माइनस टू यहां पे पावर बन जाएगी, लॉग टू की पावर माइनस टू, और ये थोड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, क्लियर रहेगा। अब देखिए दो लॉग है, इक्वल है, दोनों तरफ बेस सेम है, तो आर्गुमेंट भी सेम होगा। हमने आपको बताया है दो लॉग अगर इक्वल हो और उनके बेस सेम हो तो आर्गुमेंट भी सेम होगा। तो यहां के बाद आप इंप्लाइज का साइन लगा के एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू की पावर माइनस टू, टू की पावर माइनस टू, या एक्स प्लस वाई टू की पावर माइनस टू आएगा तो नीचे हो जाएगा टू की पावर प्लस टू, निगेटिव पावर वन कौन कर देंगे पॉजिटिव पावर हो जाएगी। इंडाइसेस में आपने पढ़ा है टू की पावर टू होता है फोर, ये x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया फोर, ये बन गया इक्वेशन वन, ठीक है, इक्वेशन वन हो गया। तो इस तरह से आपने देखा, हमने इसको इसके इक्वल लिया और इसकी वैल्यू सॉल्व करके माइनस टू आई थी, इसीलिए इसकी प्लेस पे माइनस टू लिख दिया, इसके साथ इक्वल ले लिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में गया और ये माइनस टू मल्टीप्लाई में लॉग के साथ, तो पावर में हो जाएगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी पावर में हो गया। अब यहां भी लॉग है, यहां भी लॉग है, इक्वल है, बेस सेम है, तो इनका आर्गुमेंट भी सेम होगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल हो गया टू की पावर माइनस टू के, टू की पावर माइनस टू ऐसे हम कर सकते हैं, नीचे कर देंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, तो ये वन बाई फोर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन बाई फोर, इक्वेशन वन बन गया, ठीक है। अब जो है ये चीज इसके इक्वल लिया, अब इसको इसके इक्वल लेंगे तो फिर से एक इक्वेशन बन जाएगी, नोट कर लीजिए जरा, इसमें समय बहुत डस्ट आ जाती है, इसको थोड़ा सा रखना पड़ता है। चलिए अब जो है इसको लेंगे इसके इक्वल, और इसकी वैल्यू माइनस टू हम लोग निकाल चुके हैं, तो नाउ वी लेफ्ट लॉग एक्स माइनस वाई अपॉन लॉग थ्री इक्वल टू माइनस टू, इसको इसी के इक्वल लिया, लेकिन इसको सॉल्व किया था हमने, माइनस टू आई थी वैल्यू, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इधर का हटाता हूं, ठीक है। इक्वेशन वन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन बाई फोर है, याद रखिएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन बाई फोर, ये इक्वेशन वन है, इसको नोट कर देते हैं। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो माइनस टू इंटू लॉग थ्री हो जाएगा, तो चलिए धीरे करते हैं, log x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू इंटू लॉग थ्री, ये log x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू पावर में जाएगा, तो log थ्री की पावर माइनस टू। अब ये इक्वल हो गया, दोनों तरफ log है, इक्वल है, बेस सेम है, तो आर्गुमेंट सेम होगा, तो आपको मिलेगा x माइनस वाई आर्गुमेंट है, यहां पे आर्गुमेंट 3 की पावर माइनस टू, अब 1 अपॉन कर दें तो ये 3 की पावर प्लस टू हो जाएगी, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर टू, जो कि हो जाएगा 9, 3 की पावर टू मतलब 9, तो x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये हो गया इक्वेशन टू। तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया था, माइनस टू आया था, एक बार इसके साथ इसको माइनस टू के इक्वल लिया, सॉल्व किया, इक्वेशन वन आया, अब दोबारा इसके साथ माइनस टू लिया, ये देखिए सॉल्व किया, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन बाई नाइन, बस हमारा काम हो चुका है।
आपके पास दो वेरिएबल एक्स वाई थे, इन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने दो इक्वेशन बना लिया है इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, अब इसको हटाते हैं, वीडियो आप देखते रहिएगा पॉज करके, समझ लीजिएगा, स्टेप नोट कर लीजिएगा सारे। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा सा आपको बड़े दिखते हैं, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये समझाएंगे नहीं किसी को, आप फटाफट नोट करेंगे, तो आप फटाफट सॉल्व करेंगे तो आपको जो है जल्दी से हो जाएगा, और इस तरह से सारे स्टेप फॉलो करने से। चलिए तो हमको मिल गया है इक्वेशन वन जो था भी हमने रख कर दिया, थोड़ा बोर्ड में जगह बना लिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू वन बाई फोर, ये इक्वेशन वन था, और x माइनस वाई इज इक्वल टू वन बाई नाइन, ये इक्वेशन टू, ठीक है। तो अब ये देखिए इक्वेशन वन और टू हमने रख कर दिया, अब यहाँ पे नोट कर लिया, तो अगर दोनों इक्वेशन हम ऐड कर ले तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स एक्स ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ऐड, मतलब दोनों इक्वेशन ऐड कर रहे हैं, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स एक्स ऐड होकर टू एक्स हो जाएगा इक्वल टू वन बाई फोर प्लस वन बाई नाइन, ये टू एक्स हो गया इक्वल टू, ये फोर और नाइन, ये जो आप फ्रैक्शन देख रहे हैं तो एलसीएम लेंगे, फोर और नाइन का एलसीएम 36 आ जाएगा, तो फोर नाइन जा 36, तो नाइन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नाइन वन जा नाइन प्लस नाइन फोर जा 36, तो फोर टाइम्स किया फोर वन जा फोर, तो इस तरह से नाइन और फोर ऐड किया 13 अपॉन 36, तो 2x इज इक्वल टू 13 अपॉन 36, ये आ गया, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 13 अपॉन 36, यहां पे लिख रहे हैं 2x इज इक्वल टू 13 अपॉन 36, तो x निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो 13 अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई से ये डिवाइड में आ गया और ये 36 है, तो ये 13 अपॉन 36 टू जा 72 हो गया, तो x की वैल्यू मिल गई आपको 13 अपॉन 72। अब x की ये वैल्यू 13 अपॉन 72 चाहे इक्वेशन वन में रख दें चाहे इक्वेशन टू में, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y सेकेंड वाले इक्वेशन में माइनस भी है तो आपको मिस्टेक हो सकती है आप लोगों से, तो आप फर्स्ट में रख लीजिए, यहाँ पे ये सब चक्कर नहीं है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में रख रहे हैं, तो x प्लस वाई, तो x की प्लेस पे तो 13 अपॉन 72 प्लस y इक्वल टू 1/4, 1/4 y निकालेंगे तो 1/4 ये जाएगा उधर माइनस 13 अपॉन 72 इक्वल टू, अब ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, 4 और 72 का एलसीएम लेंगे 72, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 18 जा 72 होता है, मतलब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 18 वन जा 18 माइनस है ये 72 है, तो ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, 13 इक्वल टू 18 माइनस 13 होता है 5 अपॉन 72, तो इस तरह से y इक्वल टू सॉल्व होके 5 अपॉन 72 ये हो गया, x की वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई, तो ये जो है हमने सॉल्व किया सेकेंड वाले का सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड वाले का फर्स्ट पार्ट ये है, इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट हमने हटा दिया था, आप तो वीडियो में देख ही लेंगे, तो इस तरह से एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू वो है, वाई की वैल्यू ये है,
आपको ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, एक्स वाई की वैल्यू जहां पे ये दी रहेगी उसको आप टिक कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब आप देख ही लेंगे वीडियो में। खुशी मम्मी को यहां से हटा दो। चलिए ये सेकेंड का फर्स्ट पार्ट अब आ गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। इनका फर्स्ट पार्ट इसमें देखिए दो इक्वेशन है, log x into y equal to 2 दिया है, log x upon y plus 2 log 2 is equal to 2 दिया है। तो पहले ये इक्वेशन लेके चलेंगे और एक्स वाई की इक्वेशन बनाएंगे, फिर ये वाली इक्वेशन लेके चलेंगे, एक्स वाई की इक्वेशन बनाएंगे। देखिए इक्वल का साइन लगा है तो ये इक्वेशन है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन लगा है तो ये भी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन की हेल्प से दो इक्वेशन बनाएंगे एक्स वाई की, मतलब बिना लॉग के, ठीक है, लॉग हटाएंगे तभी फिर सॉल्व होके एक्स वाई की वैल्यू हमको मिल पाएगी। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लेते हैं लॉग x into y base 10 equal to 2। तो ये log हमको पता है, exponential form हर बार हम आपको बताते हैं, log a base b equal to m है, तो log हटेगा तो argument a equal to base b और ये power हो जाएगा m। log हटेगा तो argument a equal to base b और ये जो रहेगा ये power में चला जाएगा, तो यहां से लॉग हट गया। इसको हम ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं और इस तरह से है तो जरूरत पड़ने पर लॉग के फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग जो है याद रखेंगे, लॉग को सीखा था तो ये सब बताया था हमने, तो ये ध्यान दीजिएगा आप साइड में अपने कॉपी में सॉल्व करते समय नोट कर लिया कीजिए। तो यहां से लॉग हटाएंगे तो आर्गुमेंट एक्स इंटू वाई है, तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू बेस 10 और ये पावर हो जाएगी, तो एक्स इंटू वाई 10 की पावर 2 मतलब की 100, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड इक्वेशन लेंगे, तो log x अपॉन y बेस 10, ये एक्स वाई एक्स अपॉन वाई आर्गुमेंट है, प्लस 2 log 2 प्लस 2 log 2 बेस 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये तो लॉग अभी रहने दीजिए, आपका जो है लॉग x अपॉन y बेस 10 है, ये 2 इस पे पावर में आ जाएगी, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये बेस 10 है इक्वल टू 2, ठीक है। और ये जो है आगे पढ़ाते हैं हम लोग, तो log x ये आर्गुमेंट प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4 log 4 ये बेस 10 इक्वल टू 2। अब देखिए दो log प्लस में है तो सिंगल log जब करेंगे, यहीं पे कर देते हैं हम आपको, ये चलिए दो लॉग है प्लस में है तो सिंगल लॉग करेंगे, तो रूल आपको याद है, हमने आपको कहा था कि लॉग ए इंटू बी बेस चाहे जो इक्वल टू हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, तो दो लॉग यहां पे देखिए लॉग में ये आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में है तो ये दो लॉग में ऐसे हो जाएंगे, और दो लॉग प्लस में है तो सिंगल लॉग करके दोनों के आर्गुमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है तो यहां पे लगेगा, ऐसा तभी करते जब बेस सेम रहता, तो बेस तो सेम ही है 10 10, तो सिंगल लॉग करेंगे और ये हो गया आपका सिंगल लॉग और ये आर्गुमेंट एक्स अपॉन वाई
और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स अपॉन वाई इंटू 4, और बेस तो 10 है, बेस 10 लगाएंगे, इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 2 करेंगे, तो ये x अपॉन y इंटू 10, तो x अपॉन y इंटू ये 4 है, तो ये 4x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन y, तो अब हम इसको लिख लेंगे log 4x अपॉन y, और ये बेस 10, तो log 4x ये अपॉन वाई और ये बेस यहाँ पे 10, ये पूरा आर्गुमेंट है, इक्वल टू आपका ये 2 है, ठीक है, तो ये जो है आपका बन गया। अब ये लॉग हटेगा क्योंकि अब हमें लॉग हटाना है, हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो आर्गुमेंट जो होगा 4x अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा बेस और ये चली जाएगी पावर में, तो ये 4x अपॉन वाई इक्वल टू 10 की पावर 2 मतलब की 100, ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है, तो आपको मिल गया एक इक्वेशन मिला है x इंटू वाई इक्वल टू 100, एक 4x अपॉन वाई इक्वल टू 100, तो यही दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग x y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन इक्वेशन को नोट कर लेते हैं अलग से, बाकी सब हटा देते हैं, ये था क्वेश्चन हमारा, और फिर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो बाकी तो आप वीडियो पॉज करके देख ही लेंगे, ठीक है, हम ये इक्वेशन 1, 2 से अब हमें मतलब है, इसको हम नोट कर रहे हैं, मैं इसको हटा देता हूं, तो ये x इंटू वाई इक्वल टू 100 इक्वेशन 1 था, 4x अपॉन y इज इक्वल टू 100 ये इक्वेशन 2 था, तो आप देखिए दोनों ही इक्वेशन 100 के इक्वल है, तो इसका मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 4x अपॉन y हम लिख सकते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मतलब इक्वेशन 1, 2 से हमें क्या है मिले, तो हमें मिलेगा x इंटू वाई इक्वल टू 4x अपॉन वाई, क्योंकि ये भी 100 है, ये भी तो आपस में इक्वल हो गए, अब x मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में जाएगा, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये y नहीं कैंसिल होगा, y अगर ले जाओगे नीचे तो y स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, x नीचे जाएगा मल्टीप्लाई में है, तो x ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो x और x अगर आपने कैंसिल कर दिया तो इधर बच गया y इक्वल टू इधर 4 अपॉन y, अब y क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है, y को अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4, स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट लगेगा रूट 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस 2 दोनों लिया जा सकता है, तो ये y की वैल्यू आई। अब एक चीज ध्यान देना होता है कि नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, लॉग के केस में हमें ये चेक करना होता है, तो पहले हम y की वैल्यू प्लस 2 लेके इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो पहले प्लस 2 ले रहे हैं, तो पुट y इज इक्वल टू प्लस 2 इन इक्वेशन 1, 1, 2 किसी में भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 में रख दे रहे हैं, तो यहां पे x है इंटू वाई, तो x को x लिखिए इंटू वाई, y की प्लेस पे प्लस 2 क्योंकि y 2 हम ले रहे हैं, फिर इक्वल टू 100 है 100, अब 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 जो कि 50 आ जाएगा, ठीक है, तो जब आपने x की वैल्यू प्लस 2 लिया तो y की वैल्यू जब प्लस 2 लिया तो x की वैल्यू प्लस 50 मिल गई, तो इस तरह से यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूं, x की वैल्यू प्लस 50 आ गई कब, जब हमने y प्लस 2 लिया था, ये दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है
तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव होगा चलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का डिवीजन भी पॉजिटिव होगा चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये आंसर एक है आपका। अब y की वैल्यू निगेटिव लेके देखते हैं, लेट y इक्वल टू माइनस टू एंड पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में इसको हम पुट करने जा रहे हैं। तो देखिए इक्वेशन वन आपका ये है, वन टू कहीं पे भी रख सकते हैं, तो फर्स्ट में आसान है थोड़ा सा, इसलिए इसमें रखेंगे। तो y की प्लेस पे माइनस टू हम यहां पे रखेंगे, तो x इंटू माइनस टू इक्वल टू हंड्रेड है, तो x इक्वल टू माइनस टू मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा हंड्रेड अपॉन माइनस टू, प्लस माइनस का डिवीजन तो माइनस हो जाएगा और टू से ये कैंसिल होगा तो फिफ्टी आ जाएगा। तो इस तरह से जब हमने y की वैल्यू माइनस टू लिया तो x की वैल्यू माइनस फिफ्टी आ गई, तो एक आंसर हमको मिल रहा है x की वैल्यू माइनस फिफ्टी आ रही है, कब, जब हमने y की वैल्यू माइनस टू लिया था। तो ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि निगेटिव वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं। तो इन्हीं क्वेश्चनों में लॉग के साथ रखते हैं, क्योंकि लॉग निगेटिव नंबर का नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे रखेंगे देखेंगे कहीं निगेटिव तो नहीं बन रहा है। तो एक्स वाई दोनों ही निगेटिव है, तो ये माइनस टू ये माइनस फिफ्टी, तो माइनस माइनस क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, माइनस टू माइनस फिफ्टी का मल्टीप्लाई प्लस हंड्रेड हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे भी दोनों निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ऊपर नीचे से माइनस कैंसिल हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा अल्टीमेटली, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से निगेटिव वैल्यू भी यहाँ पे पॉसिबल है और पॉजिटिव वैल्यू भी पॉसिबल है। तो एक बार मतलब y की वैल्यू प्लस टू या माइनस टू दोनों पॉसिबल है, x की वैल्यू माइनस फिफ्टी और प्लस फिफ्टी दोनों पॉसिबल है। तो आपके ऑप्शन में आप आंसर देख के लगाएंगे ये दोनों ही आंसर पॉसिबल है। तो जैसा रहेगा, अगर केवल पॉजिटिव का दिया रहेगा तो वो ठीक है, केवल निगेटिव रहेगा तो वो भी सही है, और दोनों मिला के दिया रहेगा तो भी सही है। ठीक है, तो दोनों मिला के कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस फिफ्टी ऐसे लिखा रहेगा, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस टू ऐसे, तो ये आंसर सही है। ठीक है, और अगर केवल पॉजिटिव वाला है केवल निगेटिव वाला दिया रहेगा तो वो भी सही है। ठीक, तो इस तरह से आपके आंसर आ गए, यही वाला जो यहाँ पे मैंने लिखा यही आंसर है। तो चलिए ये भी सॉल्व हो गया, अब इसको हटाते हैं, आप लोग तो नोट ही कर लेंगे इसको देख के। देखिए अब फर्स्ट का सेकंड करते हैं, तो सॉल्यूशन फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये है, ये प्योर नंबर वाले हैं लॉग, तो ये सॉल्व होंगे, इनको क्या करना, इवेल्युएट करना या सिंप्लीफाई करना कुछ भी कहे, मतलब इनको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या नंबर मिलता है। तो सॉल्व करते हैं सेकंड को, ये क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, टू log 10 की पावर 3 प्लस 3 log 10 की पावर माइनस 2 माइनस 1 बाई 3 log 5 की पावर माइनस 3 एंड प्लस 1 बाई 2 log 4। ठीक है, ये 2 पहले है मल्टीप्लाई में, तो ये पावर में चला जाएगा, हमें पता है कि ऐसा हम कर सकते हैं, या थ्री मल्टीप्लाई या पावर में है तो पहले आ जाएगा, तो हम इसी को पहले ले आ लेते हैं, क्योंकि फिर लॉग टेन की वैल्यू वन होती है हमें पता है, इसलिए थ्री को पहले ले आ लेंगे। तो ये टू इंटू थ्री लॉग टेन ऐसा लिख सकते हैं इसको, कि प्लस है प्लस ये माइनस टू पावर है इधर आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी थ्री इंटू सेम यही लॉ यहाँ पे भी माइनस टू, फिर ये है लॉग टेन, फिर ये माइनस वन बाई थ्री, ये भी पावर पहले आ जाएगी माइनस थ्री है, फिर लॉग फाइव, ये पावर चली गई लॉग फाइव ये हो गया, और यहां पे प्लस वन बाई टू है, ये लॉग फोर को आप लिख सकते हैं टू की पावर टू ऐसा लिख सकते हैं,
टू की पावर टू लिखने के बाद ये पावर पहले आ जाएगी, तो मैं अब इसको डायरेक्ट पहले लिख दे रहा हूँ। आपने ये समझ लिया कि फोर को हम ये लिखेंगे फिर टू पहले आ जाएगी, तो एक स्टेप बचाने के लिए मैं यहाँ पे इसको टू पहले ले आ ले रहा हूँ और ये लॉग टू। तो देखिए टू थ्री या सिक्स और लॉग टेन की वैल्यू वन, फिर प्लस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो माइनस लगा दीजिए थ्री टू या सिक्स और ये लॉग टेन की वैल्यू वन। आप लोग ऐसे स्टेप को देखा कीजिए, समझा कीजिए। चलिए सर ने क्या नोट किया है, टू थ्री या सिक्स नोट किया, लॉग टेन की जगह ये किया। क्यों? क्योंकि लॉग टेन की वैल्यू वन होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी बेस नहीं है तो बेस टेन माना जाता है, तो बेस भी टेन है आर्गुमेंट भी टेन है, तो सेम बेस और सेम आर्गुमेंट अगर होता है तो लॉग की वैल्यू हमेशा वन। फिर ये मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्स आ गया, लॉग टेन की प्लेस पे वन नोट किया। यहाँ पे थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो जब थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वन बचेगा, ये माइनस पहले से है तो ये प्लस वन हो जाएगा, तो मतलब कि वन लॉग फाइव हो जाएगा, मतलब कि ये केवल लॉग फाइव हो जाएगा। ये थ्री और ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लॉग फाइव बच गया। फिर प्लस है ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, लॉग टू बच गया। ये सिक्स वन जा सिक्स माइनस सिक्स, ये सिक्स वन जा सिक्स ये भी हो गया, प्लस लॉग फाइव प्लस लॉग टू। ये प्लस सिक्स माइनस सिक्स कैंसिल हो गया तो बच गया लॉग फाइव प्लस लॉग टू बच गया। अब दो लॉग प्लस में है तो सिंगल लॉग हो जाएगा और इनके आर्गुमेंट्स मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, फाइव इंटू टू ये हो गया, फाइव टू जा टेन लॉग टेन। यहाँ पे बेस कुछ नहीं है तो टेन ही है, तो ये जब दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू हमेशा वन, तो इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा वन। ठीक है, लॉग टेन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लॉग ए प्लस लॉग बी रहता है, तो हम लॉग सिंगल लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं, तो ये ए है ये बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू सिंगल लॉग ए इंटू बी, तो 5 इंटू टू, 5 टू का मल्टीप्लाई 10, लॉग 10 की वैल्यू बेस 10 पे 1 होगी, क्योंकि बेस में कुछ नहीं है तो बेस 10 माना जाएगा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से ये सेकेंड वाला जो है सॉल्व हो गया इसका, जो इवेल्युएट करना था। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप बताइएगा, क्लास में भी पूछ लीजिएगा। ये सब पावर थी तो पहले आ जाएगी, बार बार इसको हमने समझाया आपको कि क्यों आ जाता है। अब इसको रब कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन है बेटा आपका सोल्यूशन वन का फर्स्ट पार्ट, ये है लॉग 10 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 10, ऐसा इन्होंने दिया हुआ है। तो ये सिंगल लॉग ही है, आप देख रहे हैं लॉग ये 10, ये डिवाइड मतलब ऐसे लगा दें और ये क्यूब रूट 10, ये क्यूब रूट है, ध्यान रखिएगा। अब बेस कुछ नहीं है तो बेस 10 ही होता है, ठीक है। तो अभी हम बार बार 10 नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा हर पॉच हो जाता है, लास्ट में 10 यूज करेंगे। तो बेस कुछ नहीं दिया गया तो 10 है। अब ये देखिए ये लॉग ए बाई बी हो गया, ऐसे लॉग ए बाई बी, ये आर्गुमेंट इस तरह से हो अगर डिविजन फॉर्म में, यहाँ बेस कुछ भी होगा तो हम क्या लिखेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये ऐसा लिखा जा सकता है, हम इसको जो है ऐसे लिखने चले हैं, तो ये हो जाएगा log 10 फिर माइनस log क्यूब रूट 10। अब log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, 1 लिख दीजिए, माइनस है माइनस लगाया, ये आपको पता है क्यूब रूट, हमने आपको बताया है स्क्वायर रूट ए का मतलब ए की पावर 1/2, क्यूब रूट ए का मतलब ए की पावर 1/3, ठीक है ना। तो ये क्यूब रूट है 10, तो 10 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यही चीज अप्लाई करेंगे, तो ये है ए,
सकते हैं, ये क्यूब रूट हटेगा तो 1/3 पावर हो जाएगी। ये 1 है, रहने दीजिए, ये पावर पहले आ जाएगी, आपको पता है 1/3 लॉग 10 इक्वल टू, ये 1 तो है ही है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो 1/3 इंटू 1, यहाँ पे माइनस था माइनस, 1/3 इंटू 1 इक्वल टू 1 माइनस 1/3 बन जा 1/3 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, इसके नीचे 1 है, 1 ऑफ 3 का एलसीएम 3, तो ये 1 है तो 1 3 जा 3 तो 3 1 जा 3, ये 1 माइनस 1/3 नॉर्मल फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, आप कर ही देंगे तो 3 माइनस, ये तो एलसीएम ये है तो ऊपर कोई चेंज नहीं होगा 1, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो 2/3 आ जाएगा। तो इन सबको सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, ये आगे आगे सॉल्व हो जाएगा तो 2/3 बचेगा, 3 माइनस 1 हो गया 2, नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब समझाने के लिए फार्मूले लिखे थे हमने, ये सब फार्मूला था जो हमने यूज किया, ये था डिवीजन है तो अपॉन ऐसे लिख सकते हैं, ये a बाय d हो गया तो log a माइनस log b, log 10 की वैल्यू 1, ये माइनस से माइनस लगाया log, ये क्यूब रूट है तो 10 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, हटाएंगे इसको, अब ये जो पावर होती पहले आ जाती है, लॉग में नियम है हमें पता है, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1/3 इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/3 इंटू 1, अब ये 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1/3 ही रह जाएगा, तो 1 माइनस 1/3 हो गया। एलसीएम दिया हमने 3, इसके नीचे 1 है, 1/3 का एलसीएम 3, तो ये 3 माइनस 1 मतलब 2/3 ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको कुछ क्वेश्चन समझाए, हमारे समझ से आपको समझ में आया होगा कि लॉग एकदम आसान सा है, आप प्रैक्टिस के लिए ये सारे स्टेप देखिए समझिए, उसके बाद अपने जो बुकलेट आपको मिली है उसके सारे बेसिक क्वेश्चन लगा डालिए, 2-3 बार लगा डालिए, ठीक है, और कोई डाउट हो तो फिर अगले सेशन में पूछिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।